तो किसानों के खेतों तक पहुंचेगा डीजल। जी हाँ, जिस तरह से खेती का समय आ चुका है, फसल कटाई का समय आ चुका है, तो इंडियन ऑयल की तरफ से यह पहल है फ्यूल एट द रेट ऑफ डोर स्टेप। जी हाँ, करनाल के ही आहूजा फिलिंग स्टेशन की तरफ से इंडियन ऑयल की तरफ से यह पहल की गई है। और हमारी अपील आप सभी से, जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। करनाल के डिप्टी कमिश्नर जो हैं इसको हरी झंडी देकर इसको लॉन्च करते हुए, रवाना करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर इस समय आप देख सकते हैं, फ्यूल एट द रेट डोर स्टेप। जी हाँ, फ्यूल एट द रेट डोर स्टेप। अगर आपको अपने हॉस्पिटल के लिए, किसानों को अपने जनरेटर सेट के लिए, कंबाइन मशीन के लिए अगर ये चीज़ चाहिए, तो वह फ्यूल एट द रोड डोर स्टेप ऐप पर इंस्टॉल कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है, और दिए गए नंबरों पर फ़ोन करके इस गाड़ी को भी बुक कर सकता है। आपके घर पर पहुंचेगी यह गाड़ी। और आप तस्वीरें समय देख सकते हैं, करनाल के जो डिप्टी कमिश्नर हैं वो इस गाड़ी को हरी झंडी देकर रवाना करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी अपील आप सभी से, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो ये तस्वीरें समय आप देख सकते हैं, करनाल के डिप्टी कमिश्नर और आहूजा फिलिंग स्टेशन से जो मालिक हैं दिलप्रीत सिंह, वो यह गाड़ी लेकर पहुंचे हैं। इंडियन ऑयल के अधिकारी यहां पर मौके पर पहुंचे हैं और हरी झंडी देकर आप देख सकते हैं कि उसको रवाना किया जा रहा है। जी हाँ, हरी झंडी देकर रवाना किया जा रहा है। हमारी अपील आप सभी से है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। किसानों के खेतों तक जो है अब ये डीजल पहुंचेगा। जी हाँ, किसानों के खेतों तक अब ये डीजल पहुंचेगा, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। आहूजा फिलिंग स्टेशन से जो ऑनर हैं दिलप्रीत सिंह, उनकी एक सराहनीय पहल, इंडियन ऑयल की एक सराहनीय पहल। डाउनलोड द फ्यूल हम सफ़र ऐप नाओ, डाउनलोड द फ्यूल हम सफ़र ऐप नाओ। इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं, जो करनाल के डिप्टी कमिश्नर हैं उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे कि एक बहुत ही अच्छी शुरुआत जो है उनकी तरफ से की गई है। इंडियन ऑयल के अधिकारी पहुंचे हैं, ये तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील है, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। सर कितना फायदा होगा? तो डीसी साहब क्या कहना चाहेंगे, किसानों के खेतों तक पहुंचेगा अब डीजल, क्या कहेंगे? देखिए, जो आहूजा फिलिंग स्टेशन है कोहंड में, उनकी एक बड़ी अच्छी इनिशिएटिव है। इसमें इन्होंने जो मोबाइल फ्यूल स्टेशन है उसको आज हमने लॉन्च किया है। टोटल 4 इस तरह की व्हीकल सभी करनाल ज़िले में हैं जो अप्लाई करेंगी। आने वाला समय एग्रीकल्चर कटाई का, खेती के में फसल की कटाई का समय है, तो काफ़ी सारे कंबाइंस, ट्रैक्टर मशीन और बाकी एग्रीकल्चर मशीनरी खेतों में चलेगी। और लॉकडाउन की वजह से हो सकता है कि किसानों को पेट्रोल डीजल की अवेलेबिलिटी में कोई समस्या आए, इसलिए ये गांव-गांव जाकर के, शहर-शहर जाकर के ये अपने अपने एरियाज़ में फ्यूल प्रोवाइड करवाएगी। इसकी जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो 6000 लीटर डीजल की है और एक बड़े काफ़ी एरिया को ये कैटर एक साथ कर सकती है। तो बड़ी अच्छी और सराहनीय पहल है, मैं इसके लिए इनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और मुझे विश्वास है कि चूंकि 4 मशीनें हैं तो अलग अलग एरियाज कवर करेंगी और किसानों को इससे काफ़ी हद तक उनकी डीजल की समस्या सॉल्व हो जाएगी। सर, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जा रहा है, एक अच्छी पहल की गई है। जी बिल्कुल, जो रेट्स यहाँ पे इनके पेट्रोल पंप्स पे अवेलेबल हैं उसी रेट पे जो है किसानों को वहाँ पे दिया जाएगा। तो किसानों को जो आने जाने के लिए जो खर्चा है वो उनका निश्चित रूप से बचेगा। किसानों खेत में ही पहुँचाया जाएगा? जी बिल्कुल, गाँव में जाएगी ये मशीन और जहाँ पे भी कंबाइन खड़ी है, कोई एग्रीकल्चर इम्प्लांट्स जो भी खड़े हैं, कोई मशीनरी खड़ी है, वहीं उनको डीजल दे दिया जाएगा। मोबाइल पेट्रोल पंप? बिल्कुल, इसको ये आप कह सकते हैं कि बिल्कुल मोबाइल पेट्रोल पंप है, बिना कोई एक्स्ट्रा खर्चे के है, बड़ी अच्छी मॉडर्न आधुनिक तकनीक से है। तो मैं इसके लिए इनका शुक्रगुजार हूं। सर, एक 3 दिन के लिए जो लंगर जो बनाकर बांट रहे थे उनको भी क्या पाबंदी लगाई गई? जी बिल्कुल, 2-3 चीज़ें आ चुकी, जैसे आपको मालूम है टोटल करनाल में कल 4 केसेज हो रहे हैं, तो इनको ध्यान में रखते हुए हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस और लगाने जा रहे हैं। एक तो जितना भी कुक्ड फूड था, जो लंगर बना बनाया खाना बांटा जा रहा था, उसमें से शहर में काफ़ी मूवमेंट भी था, काफ़ी लोग इकट्ठा होने के भी बातें आई थी, तो वो हमने 10 तारीख तक बंद कर देंगे। वो इसमें जो लोग जो बिल्कुल नीडी हैं, ज़रूरतमंद हैं, वैसा तो एंटिसिपेशन हमारा है कि जब से डिपो का राशन आया है और सामाजिक संस्थाओं ने और प्रशासन ने भी जब राशन किटें बांटी हैं तो लगभग हर घर तक राशन की किट पहुँच गई है। फिर भी अगर कोई जो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है तो जो हेल्पलाइन नंबर है 1950 उस पर नोट करा दे, उसको हम घर जा कर के कुक्ड फूड हम डिलीवर करा देंगे। इसी प्रकार से जो भी सामाजिक संस्थाएं हैं, एनजीओ जो ड्राई राशन बांट रही थी
उनको भी हमने मैसेज करवाया है कि वो भी अगले 3 दिन अपना डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल बंद रखें। एक तरह से जो जिसको कहते हैं प्रॉपर कर्फ्यू, प्रॉपर लॉकडाउन, वो हम इम्पोज करने जा रहे हैं। जो केमिस्ट शॉप्स हैं, काफ़ी सारे लोग हमने देखा था कि दवाइयाँ खरीदने के बहाने से केमिस्ट शॉप्स की दुकानों पर जाते थे, तो वो भी अब हमने फिक्स की हैं। आज शाम तक मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में सर्कुलेट करवा देंगे। कुछ डेजिग्नेटेड 25-30 केमिस्ट शॉप्स ही होंगी जो खुली होंगी, और उनका भी टाइमिंग हमने निश्चित किया है 9 बजे से 12 बजे तक। उसके बाद 12 बजे अगर किसी को के बाद अगर कोई दवाई चाहिए तो वो इन 20-25 केमिस्ट शॉप्स पे कॉल करके और होम डिलीवरी ले सकता है। दुकानें सिर्फ 12 बजे तक ही खुली रहेंगी, और ये सिर्फ जो ईयर मार्क्ड दुकानें हैं 20-25 सिर्फ यही खुली रहेंगी। कुछ कुछ मीट शॉप भी खुले हैं। जो मीट शॉप्स है, अगेन जो जिस तरीके से राशन शॉप्स एसेंशियल कमोडिटीज में आती हैं, इसी प्रकार से सरकार के आदेशानुसार मीट शॉप्स भी एसेंशियल कमोडिटीज़ में आती हैं, तो इनको खुला रखने पे पाबंदी नहीं है। बस ये वो बेचें अगर कोई पका करके और कोई सर्व कर रहा है, उस पर पूर्णतया पाबंदी है। ठीक है, तो ये आपने देखा करनाल के डिप्टी कमिश्नर यहाँ पहुँचे थे, और किस तरह से दिलप्रीत सिंह हैं जो आहूजा फिलिंग स्टेशन से हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे किसानों को, खेतों तक जो है डीजल पहुँचेगा, क्या कहना चाहेंगे इस पर? हार्वेस्टिंग सीजन आने वाला है और इसमें बहुत दिक्कत आने वाली थी किसानों को, उसके लिए वो दो तरीके से ऑर्डर कर सकते हैं। एक तो हमारा नंबर है 76450 76450, उस पर कॉल करके डीजल मंगवाया जा सकता है। दूसरा प्ले स्टोर पे और ऐप स्टोर पे ऑनलाइन ऐप है फ्यूल हम सफ़र, उसको आप डाउनलोड करके डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। लाइव ट्रैकिंग भी मिलेगी, सब चीज़ मिलेगी। एक मोबाइल पेट्रोल पंप, जहां डीजल चाहिए वहां मिलेगा। कोई एक्स्ट्रा चार्ज रहेंगे सर? कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। सिर्फ मैं एक अपील करना चाहूँगा किसानों को, अगर वो अपने गांव में डीजल मंगवाते हैं तो वो कोशिश करें कि 4-5 किसान इकट्ठे होकर मिला लें, ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके और ये कि वरदान साबित हो। क्या नाम आपका जी? दिलप्रीत सिंह। तो ये आप देख सकते हैं करनाल के दिलप्रीत सिंह जो पेट्रोल पंप चलाते हैं आहूजा फिलिंग स्टेशन कोहंड में और मेरठ रोड पे, तो एक अच्छी पहल जो है इनकी तरफ से की गई है। और हम आपको बताना चाहेंगे फ्यूल एट द रेट ऑफ डोर स्टेप, जो इंडियन ऑयल का एक अच्छा प्रयास है, किसानों के खेतों तक अपने आप ये गाड़ी पहुंचेगी और किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा, जिसको आज करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने भी जो है हरी झंडी देकर रवाना किया है। हमारी अपील आप सभी से है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। दूसरी एक बड़ी जानकारी हम आपसे साझा करना चाहेंगे कि जो भी लोग बना हुआ खाना लोगों में बांट रहे थे, जरूरतमंदों में बांट रहे थे, उन पर जो है रोक लगा दी गई है। 3 दिन तक रोक लगाई गई है, 10 तारीख तक आप उसको ना बांटे। और जो कच्चा राशन भी बांट रहे थे करनाल के उपायुक्त द्वारा, उन तक भी यह मैसेज पहुंचा दिया गया है। तो कोशिश कीजिए कि आप भी उसको ना बांटें, क्योंकि 4 नए मामले जो सामने आए हैं उसको देखते हुए फैसला लिया गया है। दूसरा, केमिस्ट शॉप्स पर देखा जा रहा था, काफी ज्यादा भीड़ जो है नजर आ रही थी, जिसके मद्देनजर 20 से 22 केमिस्ट शॉप्स को ही चिन्हित किया जाएगा जो सिर्फ ओपन रहेगी। बाकी केमिस्ट शॉप्स जो है सुबह 9 से 12 बजे तक ही ओपन रहेगी, तो इस पर भी जो है सख्ती से जो है लागू करा जा रहा है, ताकि ये कर्फ्यू जैसे हालात जो है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो बाहर निकल रहे थे। ऐसे में इंडियन ऑयल के जो अधिकारी हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? फ्यूल एट द रेट ऑफ डोरस्टेप, एक अच्छी शुरुआत की गई है, क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, जैसे कि अभी COVID-19 इतना फैला हुआ है, तो उसमें भी इंडियन ऑयल अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि हमारे जितने भी कस्टमर, एग्रीकल्चरल कस्टमर, इंडस्ट्रियल कस्टमर, इंक्लूडिंग हॉस्पिटल्स वगैरह में भी डीजल की वजह से कोई दिक्कतें ना आए। इसके लिए इंडियन ऑयल ने अपना फ्यूल एट द रेट डोर स्टेप लॉन्च करा है करनाल में, अभी हमारे करनाल में लॉन्च हो गया है। तो इससे हम हमारी कोशिश रही रहेगी कि कस्टमरों तक जो ईंधन है, डीजल है, वो सही समय से पहुंच सके और सही क्वांटिटी में पहुंच सके, ताकि इसका लाभ वो उठा सके। क्योंकि आगे आने वाला टाइम पूरा एग्रीकल्चरल हार्वेस्टिंग का टाइम है, तो इस टाइम पर हमारे जो कस्टमर हैं उनको कोई दिक्कतें ना आए, तो इसके लिए हम। क्या नाम आपका? विपिन कुमार। तो ये आप देख सकते हैं इंडियन ऑयल के अधिकारी थे, तो बहुत ही अच्छी एक पहल की गई है। और आप देख सकते हैं दिलप्रीत सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं आहूजा फिलिंग स्टेशन से। एक साझा प्रयास किया गया, एक बहुत अच्छी पहल की गई, किसानों के खेतों तक अब खुद डीजल पहुंचेगा, चाहे उनकी जनरेटर सेट के लिए हो, उनकी मशीन के लिए हो, कंबाइन के लिए हो। अन्यथा जो हम आपको बताना चाहेंगे कि हॉस्पिटल जो इमरजेंसी सर्विसेज में रहते हैं उनको भी जो है ये परमिशन दी गई है। हालांकि लॉकडाउन के दौरान जो है सिर्फ ये किसानों और हॉस्पिटल्स, एम्बुलेंसेज और फायर ब्रिगेड्स के लिए रहेगा, उसके बाद जो है ये किसी भी सर्विसेज के लिए रहेगा, चाहे उद्योग हो, के पास भी जो है गाड़ी पहुंच सकती है। लेकिन फिलहाल ये जो है लॉकडाउन के दौरान स्पेशल जो इमरजेंसी सर्विसेज है उन तक के लिए सुविधा जो है जारी रहेगी। और इस समय आप देखा किस तरह से करनाल के जो उपायुक्त थे निशांत कुमार यादव, उन्होंने हरी झंडी देकर इसको रवाना किया है। हमारी आप सभी से अपील है, जितने भी लोग इस खबर को देखें ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर जरूर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।